ऐसे लड़के को तुमने बॉयफ्रेंड बनाया, पहले बताया क्यों नहीं? चेक शर्ट वाले के बारे में बताया तो था। चेक शर्ट बताया था पर उसका नाम नहीं। मुझे नहीं पता था कि आप उसे पहले से जानते हो। वो बहुत बिगड़ा हुआ लड़का है, मुझ जैसा स्ट्रिक्ट लेक्चरर भी उसे कॉपी करते हुए रोक नहीं पाया। वो सरदर्द के बाम तक को सरदर्द दे सकता है। मुझे अगर पता होता ना कि अब तुम्हारी लाइफ में वो। तुमने मुझे जाने को कहा तो मैं चला क्यों गया? पापा। हेलो पापा, तुमने मुझे जाने को कहा तो मैं चला क्यों गया? ये मेरी बेटी है। ये भी तो यही कह रही है ना। एक मिनट, तुमने मुझे जाने को कहा तो मैं चला क्यों गया? एक्चुअली तुमने मुझे कहा ही क्यों? ऐ सुनो, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, कोई मजाक नहीं है। सवाल तो मेरी जिंदगी का भी है ना, मुझे अपनी जिंदगी मजाक नहीं बनानी है। तो 25 साल तक मैंने इसे संभाल के रखा, अगले 6 महीनों में मैं इसकी शादी करने वाला हूँ। प्लीज मुझे टेंशन मत दो। जिस बेटी को आप 6 महीने में दूर करेंगे उसके बारे में इतना टेंशन हो रहा है? मुझे इसके साथ 60 साल बिताने हैं तो मुझे कितना टेंशन होगा? मतलब तुम कुछ भी कहोगे और मैं खामोश रहूंगा, हाथ पे हाथ धरे तुम्हारी बकवास सुनता रहूंगा? आप कॉलेज में मेरे लेक्चरर नहीं थे ससुर जी, सुपरवाइजर थे। और सुपरवाइजर वो होता है जो बस काम पर नजर रखे, टांग ना अड़ाए। यहाँ भी वही कीजिए, हम दोनों जो कर रहे हैं उस पर बस नजर रखिए। तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? ये लीजिए मेरा वोटर कार्ड, इसमें मेरे बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, आराम से बैठकर पढ़िए। हाँ, तो हम कहाँ थे? मेरी बेटी के सामने मुझे नीचा दिखा के बहुत बड़ा हीरो बनना चाहते हो हैं? देखो, मैंने अगर ये बात तुम्हारे बाप को बताई ना तो वो तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ के तुम्हें हमेशा के लिए घर में बंद कर देगा। अच्छा, कार्ड पर मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, घर जाके आराम से मिलिए उन्हें। बाइक की चाबी। आपका बेटा। हेलो। तुम वही हो ना जो मेरे घर आए थे? मुझे पता था तुम मेरे घर की घंटी जरूर बजाओगे। मैं कुछ समझा नहीं। वो मेरा नालायक बेटा है ना, वो सब कुछ समझा देगा। तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को परेशान करता है। मैंने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था, विद ऑल माय ब्लेसिंग्स। कैसे बाप हो, ये क्या कह रहे हो? समधी जी, आपकी बेटी बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी है। तुम्हारा बेटा जाहिल और एकदम गंवार है। कोई दामाद को ऐसा कहता है, उसका स्क्रू अगर ढीला है तो उसका मतलब मेरा भी स्क्रू ढीला है। तुम्हारा स्क्रू भी तुम्हारे बेटे की तरह ढीला है। क्या बात कर रहे हो, मेरी वजह से उसका स्क्रू ढीला होगा, उसकी वजह से मेरा स्क्रू कैसे ढीला होगा? जब बाप ही ऐसा होगा तो बेटा तो ऐसा होगा ही ना। बीज ही खराब होगा तो फल तो सड़ा हुआ निकलेगा ही। भाई साहब, सुना है कि आपकी बेटी बहुत सुंदर है। मेरे बेटे का भी यही कहना है और इनका भी यही कहना है, मुझे भी मिलना है, आप उससे मुझे मिलवा दीजिए। ये किस तरह का अजीब परिवार है, सबके सब पागल हैं। मेरी बेटी को उस लड़के से बचाना होगा, इसका एक ही रास्ता है। सॉरी पापा, मैं नहीं जानती थी कि वो इस तरह तमाशा खड़ा करेगा। उसके लिए तुम क्यों मुझसे माफी मांग रही हो बेटा? मुझे अपनी बेटी पर पूरा पूरा भरोसा है। आओ, गुड नाइट। बस बेटा, एक बात याद रखना, मेरी आंखों में आंसू सिर्फ तुम्हें घर से विदा करते हुए आने चाहिए, इसलिए नहीं कि तुम गलत लड़के से शादी कर रही हो। बुटकी, बुटकी, चिल्लाना मत। तुमने कभी क्लोरोफॉर्म सूंघा है? लगता है सारा खर्चा लाइटिंग पर ही कर दिया। अच्छी खासी हाइट है फिर भी बुटकी कहकर चिढ़ाता हूं।
कमाल है। अच्छा है मेरे बदन पर लकी बर्थ मार्क है, वरना मेरी दाल नहीं गलती। पहली बार तुम्हें इस तरह सोते हुए देख रहा हूं, शायद कोई प्यारा सा सपना देख रही हो। तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूं। रात रात भर नींद नहीं आती, आंखें खुली रहती हैं, एक अजीब सी फीलिंग है, मानो जान निकल रही हो। तुम्हें जोर से गले लगाने का मन करता है पर लगा नहीं पाता। लगता है जैसे सीने पर 100 किलो का वजन लेकर घूम रहा हूं। पहले जब भी कोई रोमांटिक गाना सुनता था तो मुझे वो बहुत बकवास लगता था, पर आजकल जब भी सुनता हूं तो लगता है जैसे हर एक गाना बस मेरे लिए लिखा गया है। मैं जानता हूं कि फिलहाल मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं उसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन भावनाओं को समझो यार। शादी कर लेते हैं ना, न्यूली मैरिड का बोर्ड और फूलों से सजी कार लेकर पूरा शहर घूमना है। शादी में स्टेज पर तुम्हारे साथ फोटोग्राफर को एक बहुत ही फिल्मी पोज देना है। जब खाने में नमक कम डालोगी तो तुम्हें झूठ मूठ डांटना है। मटर्निटी वार्ड के बाहर नर्वसली सिस्टर से आते जाते पूछना है कि मुझे लड़का हुआ या लड़की, लड़का हुआ या लड़की। ये सुनकर ऐसा मत सोचना मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता, मेरे मम्मी पापा में ऐसा ही प्यार है जो कभी हमें भी होगा। अब तक मैंने कभी अपनी बीवी को हाथ नहीं लगाया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू उसे टच करे? कितना चिपकेगा, अबे उसे काट रहा है, उसकी चुम्मी ले रहा है, तेरी तो चला गया। इतने अच्छे फ्लो में था, सब डिस्टर्ब कर दिया। देर हो रही है, बस एक और इंपॉर्टेंट बात करनी है, एक मिनट रुको, आई विल बी बैक। नमस्ते, कैसे हैं, सब ठीक है? हाँ हाँ, जलेबी के साथ रबड़ी भी तैयार है। अरे आप डुबो डुबो के खाना। सुनो, दूल्हे का कमरा किस तरफ है? ऊपर टॉयलेट के बाजू में। टॉयलेट के? दूल्हे तुम हो? इस शादी से खुश हो? क्या तुमने कभी क्लोरोफॉर्म सूंघा है? सूंघो, मजा आएगा। ये कौन है? कार में बैठो, जल्दी बैठो। मैं नहीं बैठूंगी। अरे बैठो। लड़की वाले तो बारात में बंदूक लेकर आ गए। वो लोग गोलियां क्यों चला रहे थे? और ये आदमी कौन है? और मुझे अपने साथ क्यों ले आए? अगर पापा को पता चल गया कि मैं घर पर नहीं हूं तो मैंने तमाशा खड़ा करके शादी के सीन को वॉर का सीन बना दिया। तुम घर जाके पापा से कहना हमने एक शादी का बैंड बजाकर दूल्हे को किडनैप कर लिया। तुम क्या पागल हो गए हो? तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। शादी ना होने की वजह से डिप्रेशन में आके उसने सुसाइड कर लिया, तो इस गलती के लिए तुम जिंदगी भर पछताओगी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम होगी बद्दू। कीर्ति, सॉरी कीर्ति। क्या बात है बद्दू, तुम इतनी घबरा गई? मैं बहुत डर गई थी कीर्ति। एक तो सेटिंग करा, ऊपर से चाटा खाओ। मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। थैंक्स किस लिए? बद्दू, मैंने ऐसा तो कुछ तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। प्रसाद इन्हें लेके जा। थैंक्स। चल 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 चल, गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, चल। प्रसाद, उसने मुझे क्यों थैंक्स कहा? वो तुम्हारी फ्रेंड है। उसने तुमसे कई बार कहा था कि उसकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। उसके बॉयफ्रेंड की आज किसी और से शादी हो रही थी, तुमने तो उसकी बात सुनी नहीं। वो बेचारी आज सुसाइड करने की सोच रही थी।
और अगर आज जिस वजह से उसने सुसाइड कर लिया होता तो तुम बहुत पछताती और जिंदगी भर खुद को जिम्मेदार मानती। मैंने ये सब अपने लिए नहीं किया है। आज अगर पुराना बाबू होता ना तो तुम्हारी दोस्त एक लड़के के लिए आत्महत्या करिए सुन के कान के नीचे बजा के देता। पर अब मैं खुद को उसकी जगह पर रखकर देखता हूँ, सोचता हूँ तुम्हारी शादी किसी और से। तो किसी का बाप या दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर पाती। पद्दू कीर्ति कीर्ति कर रही थी इसीलिए तुम्हें ले आया। सच बताता तो तुम मेरे साथ कभी नहीं आती। समझ में नहीं आता लड़कियों के दिमाग में चलता क्या है। वैसे भी मेरी लाइफ में दो ही लेडीज हैं, एक मेरी माँ और तुम। घर नहीं जाना क्या? रोज मुझे क्लास में डिस्टर्ब करता था, आज आया ही नहीं। रोज कॉरिडोर में भी मिलता था, आज वहां भी नहीं आया। आज वो डिस्टर्ब करने नहीं आया, अच्छा है ना? क्या कर तुम परेशान क्यों हो रही हो? अरे मैं तुम्हें गुड न्यूज देने के लिए यहाँ बैठा हूँ और तुम उसी के बारे में सोच रही हो। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कीर्ति। फोन पे हूँ पापा। ए, आज सुबह से हम दोनों मिले ही नहीं। तुम्हारी दोस्त की शादी की तैयारी कर रहा था। अगर ये बात थी तो पहले क्यों नहीं बताई मुझे? मैं कब से तुम्हें गुड न्यूज देना चाहता हूँ, तुम किससे बात कर रही हो? फ्रेंड है पापा। हेलो, मुझे ये बताओ मैंने पापा से झूठ क्यों बोला, तुम्हारा नाम क्यों नहीं बताया? जब प्यार हो जाता है ना तो इंसान झूठ बोलता है। मैं आखिर प्यार में किसी से झूठ क्यों बोलूं? मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हुँ? समझ गए? किसका? पद्दू का है पापा।